तो जैसे हम आवाज सुने तुरंत दिल में एकदम धक से हुआ है और हम तुरंत आवाज पहचान गए हैं, उन्हीं का आवाज था तो जहाँ पे वो बुलाए हैं। तो हेलो एवरीवन, बैक टू बैक माय यूट्यूब चैनल, आप सभी लोगों का ढेर सारा स्वागत है मंजू यादव ब्लॉग में। तो आप सब कैसे हो, ठीक होंगे? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे रहना भी चाहिए। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जहाँ रहिए व्यस्त रहिए। और आज बहुत खुशी की बात है, बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। वीडियो को पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। और जो खुशी की बात है, आप लोगों को कैसे बताऊं, भोलेनाथ ने मेरी अर्जी सुन ली, सबकी अर्जी सुन ली, आप लोगों की दुआएं सुनी, तो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत खुश हूँ। कितना खुश हूँ कि मुझे खुशी के मारे रोना आ रहा है। लेकिन मैं इसे मतलब वीडियो बनाने से पहले ही मैं रो रही थी, मतलब क्योंकि आप सभी को मैं बता दूं कि फाइनली उनके हस्बैंड मिल गए हैं, मतलब भाभी के हस्बैंड मिल गए जो खोए हुए थे। और मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, मैं कितनी खुश हूँ कि मतलब समझ में नहीं आ रहा है मैं कहाँ जाऊँ। और मैंने कुछ अलग करेंगे, कल दिखाएंगे आपको। और पता है फ्रेंड, बहुत बेचारी रो रही थी, उनके बच्चे रो रहे थे, वो रो रही थी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे क्या, किसी यूट्यूबर को अच्छा नहीं लग रहा था। तो अभी उनको गोरखपुरिया भाभी लेने गई हैं, अब कल तक वो आ जाएंगे घर पे। तो आप लोगों को मेरे बातों पे यकीन नहीं हो रहा है, तो आइए उनकी वीडियो ही देख लीजिए। आप लोगों को दिखा रही हूँ, वो फर्स्ट अपने मुँह से खुद ही कह रही है, कोई फेक वीडियो नहीं है। मैंने व्यूज़ के लिए या लाइक्स के लिए, सब्सक्राइबर के लिए, इस चीज़ के लिए नहीं बनाया है। ये मेरी रियल वीडियो और असली वीडियो है, मैं कोई फेक बात नहीं कर रही हूँ। आप लोग वीडियो देख लीजिए, आपको खुद ही यकीन हो जाएगा कि वो मिल चुके हैं उनके हस्बैंड। आइए मैं आप लोगों को वीडियो दिखाती हूँ, और अगर जो ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? और आप लोग को बहुत ही बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं कि आपके भैया जी का पता चल गया है और हम जा रहे हैं उनको लेने के लिए। इस वीडियो में लीक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर लीक कर दिए तो वो जहाँ भी होंगे भाग जाएंगे। और कहने वाले जिनसे बात हुआ है वो लोग कह रहे हैं कि उनका माइंड काम नहीं कर रहा है, और वीडियो देख करके वो लोग उनको बैठाए हैं। और हम जा रहे हैं और देखते हैं कैसे क्या होता है। तो आप लोग ऐसे मतलब क्या बताएं आप लोगों को, आप लोग दुआ करिए कि मतलब वो मिल गए हैं, लेकिन अभी तक जब तक हमारे पास नहीं आ जाते, आप लोग जानते ही हैं कि कितना डर लगा रहता है। और पता चला है कि वो नेपाल साइड में है, और वहाँ पर जो है कि कर्फ्यू लगा हुआ है, बॉर्डर बंद है, 2 दिन के लिए बॉर्डर बंद है। फिर भी हम जा रहे हैं, जाने का प्रयास कर रहे हैं वहाँ पर। और अभी हम अपना ड्राइवर बुलाएंगे और जाएंगे, तुरंत निकलेंगे। और आप लोग अपना देखिए और दुआ करिए कि वो मिल जाए, जहाँ भी हैं सुरक्षित हो। लेकिन हमको नहीं लग रहा कि सुरक्षित है। और एक बुजुर्ग इंसान हमको फ़ोन किए थे, वीडियो के नंबर पे जो नंबर था उसी पर फ़ोन किए थे। तो हम वही वीडियो मतलब वो लोग देख करके फ़ोन किए थे। हमारा पता नहीं, दिमाग वाला नहीं काम कर रहा है, क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहा है। बस इतना जान लीजिए कि वो मिल गए हैं। और छन देखिए, यहाँ पर बहुत खुश है, देखिए मुस्कुराहट आ गई, मेरे बच्चा के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। और भगवान से आप लोग मनाइए कि वो जैसे भी है ठीक हो, और हम जा रहे हैं उनको लेने के लिए। आप लोग प्लीज, आप लोग अपना आशीर्वाद प्यार ऐसे ही बनाए रहिए। कहीं ना कहीं आप लोग का बहुत बड़ा योगदान है जो आज हमारे पतिदेव मिल गए हैं, क्योंकि जो उनको पकड़े हैं वो भी एक सब्सक्राइबर ही हैं, और उनका बेटा जो है हमारा बहुत बड़ा फैन है। लेकिन वो बता रहे थे, लेकिन वो बुजुर्ग इंसान है और वो बोल रहे थे कि बेटा वो जंगल के रास्ते भाग रहा था और जूता चप्पल नहीं था पैर में, जो कि हम जैसा कि आप लोगों को बताए थे कि वो जूता चप्पल नहीं पहन के गए थे। लेकिन हम यही नहीं समझ पा रहे कि उनका माइंड क्यों नहीं काम कर रहा है। हम बोले कि अंकल जी उनका बात हमसे उनसे बात करवा दीजिए, तो वो कान पर फ़ोन लगाए हैं, बोले बाबू बोलो बोलो, तो कह रहे हैं हाँ खाना खैले बनी, ऐसे बोल रहे हैं। तो जैसे हम आवाज़ सुने तुरंत दिल में एकदम धक से हुआ है और हम तुरंत आवाज़ पहचान गए हैं, उन्हीं का आवाज़ था। तो जहाँ पे वो बुलाए हैं बूढ़े बाबा, वो तो बोले हैं कि बेटा जैसे हम 2-3 दिन से रखे थे अपने पास, वो कह रहे हैं बेटा जैसे हम 3 दिन रखे थे वैसे हम 2 दिन और रख लेंगे, तुम 2 दिन के बाद आना। लेकिन हमारा जी नहीं मान रहा है, हम आज ही जाएंगे और अभी निकल रहे हैं। तो आप लोग पूरा एकदम प्रे करिए कि हमारे महादेव एकदम सुरक्षित हमको मिले, हो सहवास में मिले, क्योंकि उनका आवाज़ सुन के हमको बहुत डर लग रहा था। तो फ्रेंड हम जा रहे हैं,